हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केशियल ट्यूटोरियल में। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को, जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं, सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से एंजॉय कीजिए होली, खूब एंजॉय कीजिए, खेलिए खाइए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बायो फार्मास्यूटिक्स, जो कि बी फार्मा सिक्स सेमेस्टर का है और उसका आखिरी यूनिट पढ़ रहे थे, यूनिट नंबर 5। और हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे लाइन वीवर प्लॉट की और चैप्टर यूनिट हो जाएगा हमारा खत्म। यानी ये सेकंड लास्ट जो लेक्चर है इस यूनिट का। आज की क्लास हम बात करेंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन की, इसको समझेंगे कि क्या होता है। और इसको समझने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी लेक्चर देख लीजिए। आप एक चीज समझ गए होंगे कि नॉन लिनियरिटी ग्राफ क्या होता है, कोई भी नॉन लिनियर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए हैं। तो उस समझने में आप एक चीज को देखिए कि जब मान लीजिए कोई एक आप एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में आप प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन देते हैं। ओके दोस्तों, कह रहे हैं टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाते हैं। और आपको पता है कि जो नॉन लीनियर ग्राफ बनता है वो सीधा स्ट्रेट नहीं जाता है, वो इस तरह से सीधा नहीं जाएगा। अगर सीधा जाएगा तो उसको लीनियर ग्राफ बोलेंगे। वो थोड़ी देर जाता है सीधा और फिर वो ऐसे घूमता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। तो जिस रेट से ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ये हो रहा है, इसको डिनोट करते हैं माइनस डीसी बाई डीटी। डीसी बाई डीटी इक्वल टू हो गया आपका रेट। उसके बाद क्या होता है, रेट के बाद जो ड्रग का किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम, जैसे मैंने यहां पर टाइम ले लिया, मान लीजिए हमारा 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, ये 5 घंटा। अगर हमको पता करा कि 2 घंटे के बाद बॉडी में प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन क्या है, तो हम इस तरह से प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि ये जो कंसेंट्रेशन है, दिस वन, ये 2 घंटे के टाइम का है। और अगर हमको पता करना है 4 घंटे बाद टाइमिंग द कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में क्या है, तो हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये हो गया हमारे 4th घंटे। तो दिस इज कॉल्ड सी। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? सी कहते हैं कंसेंट्रेशन, यानी इसको सी कहते हैं। और जिस समय जिस टाइम पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो किसी ड्रग का, हम देख रहे हैं कि ये हमारा पीक है और यहाँ पे इस टाइम पे करीब 3.5 घंटे के आसपास सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसको कहते हैं वी मैक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड वी मैक्स। इस ग्राफ से आप 3 चीजें सीख चुके हैं कि कैसे क्या डिनोट करते हैं। रेट को डिनोट करते हैं माइनस डीसी बाई डीटी से, और कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं सी से, और जिस टाइम पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है उसको डिनोट करते हैं वी मैक्स से। जी हाँ, आपके जो साइंटिस्ट थे माइकलिस और मेंटन, दोनों ने क्या किया था, अलग अलग साइंटिस्ट ने एक साथ रिसर्च करके किसी भी नॉन लीनियर ग्राफ को बनाने के लिए एक इक्वेशन दिया जिसको कहते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन। उन्होंने क्या किया किस इक्वेशन में, उस इक्वेशन को देख लेते हैं। वो इक्वेशन है माइनस डीसी बाई डीटी इक्वल टू वी मैक्स इनटू सी अपॉन के एम प्लस सी। जहां पर वेयर क्या क्या लिखेंगे आप, वेयर डीसी माइनस डीसी बाई डीटी इक्वल टू द रेट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, वी मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, सी इक्वल टू कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम, Km is the Michaelis Menten constant। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Km वैल्यू क्या है, Michaelis Menten constant, और C आप जानते हैं। उन्होंने कहा किसी भी टाइम पे अगर हमें ड्रग का रेट पता हो तो हम वी मैक्स निकाल सकते हैं, अगर हमें वी मैक्स और रेट पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। Km एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो लगातार बदलती रहेगी। तो इस इक्वेशन से हमारा हो गया फॉर्मूला माइनस डीसी बाई डी टी इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। और यहाँ पे आप डीसी बाई डी टी, के एम और सी को डिनोट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, इतना आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और समझ लेंगे। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में दोस्तों हम इस फॉर्मूले को आप फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी अपॉन के एम प्लस सी। आपको पता है यहाँ पे डीसी बाई डी टी रेट कॉन्स्टेंट है, वी मैक्स सी के एम क्या है आपको पता है। पहला शर्त, 3 शर्तें हो सकती है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है Km और एक वेरिएबल है C, क्योंकि एक बार जो Vmax आएगा वो एक ही बार आएगा, पूरे ग्राफ के दौरान एक ही बार Vmax आएगा, लेकिन C की वैल्यू लगातार बदलती रही, कभी यहाँ पे बढ़ रही है फिर यहाँ पे घटेगी, C की वैल्यू बदल रही है। और जो Km है कॉन्स्टेंट, यानी Km और C ये 2 वेरिएबल है दोस्तों, इनके बदलने से पूरे फार्मूले की वैल्यू बदल जाएगी, फॉर्मूले का तरीका बदल जाएगा और मेथड बदल जाएगा। तो हम इस क्लास में बात करेंगे Km और C को अगर बार बार बदल दिया जाए तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
ओके तो सबसे पहली बात करेंगे, एक शर्त हम ये देखते हैं कि अगर KM और C बराबर हो जाए, पहली कहानी ये होगी। दूसरी कहानी ये हो सकती है KM C से ज्यादा हो जाए और बहुत ज्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। और तीसरी कहानी ये हो सकती है कि C जो है वो KM से काफी ज्यादा हो जाए। तो तीनों कंडीशन में कैसे फॉर्मूला बनेगा हम इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो पहली कंडीशन है, यानी पहली हेडिंग केस फर्स्ट, वेन KM इज इक्वल टू C, यानी जब KM और C बराबर हो जाए। तो हमने माना कि KM इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1। तो क्योंकि KM और C बराबर है, तो जब हम दोस्तों केस 1 लेते हैं, जब हमारा KM इज इक्वल टू C है, हमने माना KM भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे हम C की जगह 1 रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस DC बाई DT इज इक्वल टू V मैक्स इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये KM भी 1 ये भी 2। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या आ गया, DC बाई DT इज इक्वल टू V मैक्स बाई 2। एग्जैक्टली हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, DC बाई DT इज इक्वल टू V मैक्स बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों कि अगर हम किसी एट एनी टाइम पे हमारा KM और C की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो जो रेट कांस्टेंट होता है, जो रेट ऑफ इक्वेशन होता है, वो V max के हाफ हो जाएगा। यानी जो V max है वो इसका हाफ हो जाएगा, किसके हाफ हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का हाफ हो जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा DC by DT equal to V max by 2। मैं डस्टर ले लेता हूँ, मेरे पास डस्टर है नहीं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैंने डस्टर ले लिया। अब हम ये पहला केस आपने देख लिया, अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस कहता है केस सेकंड, व्हेन KM इज लार्जर देन C, यानी केस टू की बात करें दोस्तों, जब KM की वैल्यू C से बहुत ज्यादा हो जाए। जब KM की वैल्यू C से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो C को हम नेग्लिजिबल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि भाई एक KM की वैल्यू हो गई 1000 और C की वैल्यू हो गई C एक, इतना डिफरेंस है 1000, तो 1000 में से 1 रुपए अगर कम भी हो जाए तो कोई खास नहीं होगा। आप ही नहीं कहेंगे मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, 999 आ गई, 1000 रुपए है लगभग मेरे पास। तो इसका मतलब है कि C के निकल जाना कोई खास वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब C नेग्लिजिबल हो गया दोस्तों, जब यहाँ पे C नेग्लिजिबल हो गया, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस DC by DT इक्वल टू V max इनटू, क्योंकि C का कोई असर है ही नहीं, और अपॉन KM, भाई क्योंकि KM बहुत ज्यादा है तो KM में C जोड़ोगे तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, हम इसको KM ही मान सकते हैं। यानी हमारा जो यहाँ पे C है दोस्तों, एक तरह से जो हमारा जो C है वो नेग्लिजिबल हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा Vx by KM, ये हमारा फॉर्मूला बन के आएगा हमारे दोस्तों यहाँ पे V max by KM। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आएगा, दिस इज द when the KM is larger than C। अब हम तीसरे केस की बात करेंगे, केस थर्ड की बात करेंगे, जब हमारा KM जो है much smaller than C, जब हमारे C से बहुत छोटा है। अब इस केस में C बहुत बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, माइनस DC by DT, यहाँ पे V max into C है, तो क्योंकि V max और C बहुत बड़ा है तो हमको यहाँ पे C लिखना पड़ेगा, अपॉन KM plus C। KM plus C का मतलब है कि भाई C मतलब 1000, KM मतलब 1, KM बहुत छोटा है तो 1000 में 1 जोड़ोगे तो 1001 मतलब लगभग 1000 हुआ। तो हम यहाँ पे KM को नेग्लिजिबल मानेंगे और KM plus C को हम यहाँ पे C मानेंगे। अब देखिए ये C से ये C कट गया, फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस DC by DT equal to V max। एग्जैक्टली देखिए क्या होता है तीसरे केस में, क्या हो रहा है तीसरे केस में, जब KM is large smaller than C, यानी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, KM बहुत छोटा हो जाता है, उसी समय पीक आता है और उसी समय जो रेट इक्वेशन होता है वो V max के बराबर होता है। ये ग्राफ हमको ये तीन शर्तें बता रही हैं और इन तीन शर्तों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। दूसरी बात हम करते हैं, इसी में एक टॉपिक को पढ़ाते हैं कि हम कैसे एस्टिमेशन करेंगे K max और V max। कभी भी हम KM और V max को एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो इसका एस्टिमेशन करने का दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ KM एंड V max, वी प्लॉट अ ग्राफ, हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारे एक्स एक्सिस में टाइम होगा और वाई एक्सिस में दोस्तों हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होगा। और हम किसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे आईवी बोलस ड्रग का। हम कोई आईवी ड्रग देंगे बोलस के फॉर्म में और कंटिन्यूअस फॉर्म में जब ड्रग देंगे तो उसका जो दोस्तों ग्राफ आता है वो लगभग कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन 100% हो गया और धीरे धीरे घट रहा है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। और इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं
अपने फॉर्मूले को, यानी कि इस Km और Vmax की वैल्यू को। तो इसमें क्या होगा, हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, हमारे सामने जो इक्वेशन होगी, हमको पता है इस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, हमारा इक्वेशन होता है माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल टू वी मैक्स प्लस सी अपॉन के एम प्लस सी, सॉरी ये वी मैक्स इंटू सी है दोस्तों अपॉन के एम प्लस सी। अब क्या करिए, अगर इसको इस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो लॉग 10 बेस ले लीजिए, तो हम इसको लॉग में बेस में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग सी इक्वल टू, ये इसको हम लॉग सी नॉट मान सकते हैं, लॉग सी नॉट प्लस, ठीक है, एक बार ये वाला डेटा प्लस एक बार ये डेटा लेंगे, ये हो जाएगा सी नॉट माइनस सी, सी जो नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है 2.303 km माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303 km। ये एक इक्वेशन आएगा, हमने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग सी इक्वल टू लॉग सी नॉट प्लस सी नॉट माइनस सी अपॉन 2.303 km माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303 km। अब इसको अगर आप चाहें तो ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें दोस्तों, तो आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस c से आप ग्राफ बना सकते हैं, y एक्सिस पे हम log c लेंगे, यानी y एक्सिस पे हमको क्या लेना है log c, अगर इसको हम इस इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है इसको हम y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो y इक्वल टू log c, ठीक है, एम एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे जाएगा हमारा 1/2.303 km, ठीक है, सी नॉट माइनस सी अपॉन 2.303 km, ठीक है, एम जो है स्लोप हमारा जो है लॉग सी नॉट है, यानी यहाँ पे जो हमारा ये एम है वो हमारा लॉग सी नॉट है, और सी की वैल्यू जो है इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो वी माइनस में है, तो ये जाएगा माइनस वी मैक्स, यहाँ पे जो हमारा इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा माइनस वी मैक्स अपॉन 2.303 के, इतना आप बना भी सकते हैं, ये बहुत जरूरी नहीं है, अगर डिटेल में पूछता है तो आप इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइम हो रहा है मुझे निकलना है अपनी टॉप जॉब के लिए, इतना ही क्लास जरूरी है, एक लेक्चर और लेना है हमको, लाइन वीवर्ड इक्वेशन है, दो तीन इक्वेशन और बचे हैं, एक लेक्चर और ले लेंगे तो हमारा सिक्स सेमेस्टर का यूनिट फाइव भी खत्म हो जाएगा बायोफॉर्म का, कुछ और सब्जेक्ट रह गए हैं सिक्स सेमेस्टर के, कौन से यूनिट रह गए हैं बताइएगा, उसको भी खत्म करेंगे एग्जाम से पहले पहले आपके, तो ठीक है पढ़ते रहिए लिखते रहिए मस्त रहिए, आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।